इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल जो है इसराइल की खत्म होनी चाहिए। हमास यकतरफा तौर पे सीज़ फायर करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रेशर अब ऐसा ऐसा बिल्ड हो रहा है कि सीज़ फायर की तरफ जाया जाए। इसराइल मीनवाइल अमेरिका ने तकरीबन 735 मिलियन डॉलर की जो है मजीद आर्म्स देने का इरादा किया है, और ये उस वक्त जबकि इसराइल अपनी रियासी दहशतगर्दी जारी रखे हुए है फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़। और उधर अमेरिका जो है, गो के सदर बाइडन ने ये तो कहा है कि वो सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ही उन्होंने 735 मिलियन डॉलर के वेपन्स और आर्म्स देने का भी ऐलान कर दिया है इसराइल को। नाज़रीन, अगर बातों से सिर्फ ये मामलात हल हो जाते तो अभी तक तो फ़लस्तीन का मसला भी हल हुआ होता और कश्मीर का मसला भी हल हुआ होता। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि OIC तो एक डेड हॉर्स है, उससे हम क्या तवक्कुआत रखें। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, अमेरिका के हवाले कि उन्होंने सब ब्लॉक कर दिया, प्रेस स्टेटमेंट तक इशू नहीं हुई। और अब कल जो है 20 तारीख को, 20 मई को UNGA का इजलास हो रहा है OIC के कहने पे। वहाँ से भी क्या निकल आएगा नाज़रीन, वही करारदादें आ जाएंगी, उस पर अमल दरामद तो होना नहीं है। इसराइल जो अपने वॉर क्राइम्स कर रहा है वो तो किए ही जा रहा है, और जो मगरबी दुनिया है वो भी सपोर्ट कर रही है बाय एंड लार्ज, और क्योंकि US की सपोर्ट भी है इसराइल को, तो इस वजह से गुज़ार तवक्कुआत तो ना पहले थी और ना अब हैं। हकीकत तो यही है। और अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकती तो UNGA क्या कर लेगी। और तो ये भी एक एक्सरसाइज तो है, बहरहाल इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस जो भी हो, जो मारूजी हालात हैं वो तब्दील नहीं होने वाले, और इसलिए तब्दील नहीं होने वाले कि मुसलमान दुनिया में वो जान ही नहीं है, ना वो यूनिटी है कि एक साथ होके कोई मुश्तरक का फ़ैसला ही कर डालें। सबसे पहले तो मैंने जिस तरह पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भाई करना है तो पहले तो वो जो ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, पहले तो उन ताल्लुकात को तोड़ें। टर्की भी उसमें शामिल है, तो पहले तो वो काम किया जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अभी UAE ने रिसेंटली सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, सूडान ने किए हैं, बहरीन ने किए हैं, और इनको कुछ ना कुछ अमेरिका से मिला ही है, कम से कम और कुछ नहीं तो हथियार ही मिल जाएंगे। तो ये सारा एक मसला यही है। और फिर दूसरा, अगर सफारती ताल्लुकात चलें आप नहीं तोड़ते तो कम अज़ कम कुछ इकनॉमिक ट्रेड या जो ट्रेड रिलेशंस हैं उन पर पाबंदी लगा दीजिए, वो भी नहीं करेंगे। तो बंदा किस किस चीज़ को रोए। अगर यही मामलात हैं, सिर्फ बातों से आज़ादी मिल जाती तो मामला तो इस तरह ही रहना है, फिर कोई तवक्कुआत नहीं है। इसलिए इसराइल अब दो जो टू स्टेट सोल्यूशन उसकी बात भी नहीं करता, बल्कि अब इसराइल के अंदर जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वहाँ पर उन्होंने हंगामे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो भी कब तक चलेंगे। अगर कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही फ़लस्तीनियों को बाहर से, तो ये मामला तो फिर UNGA और इन करारदादों तक ही रह जाएगा। और ये बच्चे और ख़वातीन जो वहाँ पे शहीद हो रही हैं फ़लस्तीन में, इसका हिसाब कौन देगा। क़यामत के दिन हम मुसलमानों से पूछा तो जाएगा कि भई आप लोगों ने क्या सपोर्ट दी मुसलमानों को, सिर्फ बातें ही करते रह गए आप लोग, और ये बातें ही हो रही हैं। और ठीक है, हमारे वज़ीर ख़ारजा टर्की भी गए, और फिर टर्की से अब वो न्यूयॉर्क भी जाएंगे, कल का जो इजलास है उसमें शिरकत भी करेंगे, अच्छी अच्छी तकारीर भी हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी नहीं है, पाकिस्तान के अपने बड़े मसाइल हैं। हमारे नेबरहुड में कश्मीर का मामला देख लीजिए, अफगानिस्तान का देख लीजिए। तो अगर लोग सिर्फ तवक्कुआत ही रख रहे हैं कि पाकिस्तान ही कुछ करेगा, तो भी बिल्कुल नाजायज़ है। जो इम्पोर्टेंट अरब ममालिक हैं, अरब की जो दुनिया है, वो कुछ नहीं करना चाहती। और जब तक अरब दुनिया कुछ नहीं करनी चाहेगी, टर्की पाकिस्तान कुछ भी कर लें, कोई मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं। फिर ईरान का जो मामला है, ठीक है ईरान की बड़ी सपोर्ट है हमास को, और किसी हद तक हम बड़ा अप्रिशिएट भी कर लेते हैं इस चीज़ को,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान और अरब दुनिया अपने जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको फ़िलहाल बस ये पुश डाल कर कोई एक ऐसा लाइमे अमल पे अमल इतफाक़ करना चाहेंगे इस वक्त, वो भी मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कुछ दुनिया के इंटरेस्ट कुछ हुकूमतों तक महदूद हैं, कुछ रियासतों के मफादात हैं, कुछ नज़रियाती मफादात हैं। तो ये सब चीज़ें मुसलमानों को बिल्कुल एक किस्म का एक ऐसी दुनिया बना दिया मुसलमानों को कि कुछ तवक्कात रख ही नहीं सकते अब। और ये ऐसी मैं समझता हूँ बदकिस्मती है मुसलमान दुनिया की कि हम हर मामले में पीछे रह गए हैं। क्या हमारी तालीम, क्या हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट हैं दुनिया पे। इसके बावजूद कि मुसलमान दुनिया अगर अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर ले और एक साथ मिल के आगे चलें तो उनकी तो तकदीर बदल सकती है। क्या फ़लस्तीन और क्या कश्मीर, हम तो नाकों जो हैं चने चुबवा सकते हैं, लेकिन ये होना नहीं है क्योंकि मुसलमान दुनिया तकसीम है और ये सबसे बुनियादी मसला है। और तकसीम उन बुनियादों पे हैं जो लगता नहीं है कि ब्रिजेबल हैं वो डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे इतने डीप रूटेड नफ़रतें हमने पैदा कर ली हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि हम कुछ नहीं कर सकते। और जब तक ये हम आपस के इख्तलाफात ख़त्म नहीं करेंगे और उस वक्त तक फ़लस्तीन का मसला भी ऐसे ही रहेगा, कश्मीर भी ऐसे ही रहेगा, जलता रहेगा, लोग कश्मीरी भी शहादतें देते रहेंगे, फ़लस्तीन भी देते रहेंगे। और मैं जिस तरह मैंने पहले कहा 2014 में भी यही मामलात हुए, फिर आप देखिए 7 साल के अरसे के वक्फे के बाद फिर दोबारा फ़लस्तीनियों का मामला उठ पड़ा हुआ है। तो और लेकिन मीनवाइल इसराइल तो अपनी जो पॉलिसी है वो जारी रखे हुए है, सेटलमेंट भी कर रहा है, मज़ीद ज़मीनें भी कब्ज़ा काबिज़ हो रहा है, पीछे गुलान हाइट्स भी उसने अपने अपने हिस्सा बना लिया, एनेक्स कर लिया जो किस ज़माने में सीरिया के पास था। तो इस तरह इसराइल अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने अहदाफ को पूरा कर रहा है। जहाँ तक मुस्लिम दुनिया है वो शायद एक स्लम्बर में है, सोई हुई है मुस्तकिल बुनियादों पर, और उनका ख्याल है कि पुरजोश तकरीरें करने से UNGA में या OIC में बड़ा कमाल दिखा दिया इन्होंने। तो माजरत के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि US, इसराइल और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बड़े क्लियर हैं इन मामलात में। वो न्यूजीलैंड की बात करते थे आपके जी मुसलमानों के, उसने भी इसराइल वो भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं कि उसका सेल्फ डिफेंस है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। ये भी क्या राइट टू सेल्फ डिफेंस है? अब सीज़ फायर के लिए कोशिशें हो रही हैं, इजिप्ट भी है, वो भी हमास से इन टच है, लेकिन इसराइली जो हैं वो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अब्दुल बासित ने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि मदरसा टेक्नोलॉजी से आप इसराइल से नहीं जीत सकते। आपने अगर वीडियो पूरा देखा हो तो इसमें अब्दुल बासित बोल रहे हैं कि इसराइल इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन पर, इसराइल इन्वेस्टमेंट किया टेक्नोलॉजी पर, इसराइल ने जो फ्यूचर प्लान बनाकर अपने लोगों को इन्वेस्ट किया, और मुस्लिम वर्ल्ड आपको पता है इन्वेस्ट करता है केवल और केवल धर्म को लेकर। बेसिकली ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड इसी तरीके के हैं, आपको भी पता है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में जैसे कि सऊदी अरब है तो वहाँ पर बिल्डिंगें हैं, तो वो बिल्डिंगें भी पता है आपको किसने बनाई हैं, या तो वो इंडियंस ने बनाई हैं, उसमें इंजीनियर्स अमेरिकन रहे होंगे, मज़दूर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के, इंजीनियर्स भारत के, डॉक्टर भारत के रहे होंगे। तो यही है, वहाँ पे इतना कुछ आपको भी पता है कि है नहीं। तो गाइस सिचुएशन यही है, अब्दुल बासित इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। और अब्दुल बासित ने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया है कि मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं कर सकता इसराइल के सामने। आपको भी पता है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है इसराइल फिलिस्तीन के मामले में कि जो बाइडेन ने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कि आप जो फायरिंग वगैरह कर रहे हैं रिस्पांस में हमास के, वो बंद कर दें, सीज़ फायर बंद, मतलब रुकना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि नेतन्याहू ने सीधा मना कर दिया और बोला कि जब तक हमास की तरफ से रॉकेट आएंगे हमारी तरफ से रिस्पांस होगा। और गाइज अभी आपको भी पता है कि हमास वाले तो रॉकेट एक मारते हैं, फिर इसराइल वाले 100 रॉकेट मारते हैं, तो अब आर्या पार की लड़ाई के लिए भी इसराइल खड़ा है। और 2 दिन पहले ही $700 अरब के मतलब हथियार अमेरिका इसराइल को देगा, मतलब ख़रीदे हैं इसराइल ने। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो, इनडायरेक्टली अमेरिका भी इसराइल के साथ है, जिस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की कोई औकात नहीं है, ये भी दुनिया समझे।
और सीधी सी बात यह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो दुनिया की पुरानी रीत है। जब ऑटोमन एम्पायर थी, मुस्लिमों का राज्य था, तो उन्होंने जेरूशलम में जो इसराइल का पवित्र मंदिर था उसे तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बनाई। अब मामला पलट गया है, अब इसराइल ताकत में है तो वो मंदिर तो मस्जिद तो नहीं तोड़ रहा है, लेकिन जो वहाँ पर नाटक कर रहे हैं उनको वो पेल रहा है। तो सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको भी पता है दोस्तों, टर्की में एक टर्की पहले जो इस्तांबुल था, जो ये मतलब इसका पुराना नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो रोमन एम्पायर के पार्ट की एक जो चर्च थी उसे हाल ही में वो बनाया गया, मस्जिद बनाया गया है। जो अभी नए नए खलीफा बनने का शौक़ पड़ा है इसको, तैयब एर्दोगान को, इसकी भी औकात समझ में आ गई है। औकात होती तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ करता, किसके लिए? फिलिस्तीनियों के लिए। तो ये सब इनकी हवा निकल चुकी है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन ये है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। हालांकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है बहुत दौरे कर रहा है यहाँ वहाँ का, लेकिन उसको कुछ नहीं है, बस फ्लाइट में जाके वहाँ के मतलब वो वैकेशन मना रहा है, वो एक प्रकार से ये हो रहा है, वैकेशन मना रहा है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।